हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पंकज साहनी एंड यू आर वाचिंग बीएनके मैथ क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बीएनके क्लासेस आज आपके लिए लाया है फैक्टराइजेशन टाइप 2। आपको याद होगा कि लेक्चर 2 में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड के जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, और आज मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन टाइप 2। अब ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम एग्जाम में मिल जाए तो बच्चों के तो होश ही उड़ जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या होगा, पेपर छूटेगा या जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए और आपसे ना छूटे, तो जुड़ जाइए बीएनके क्लासेस के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। बीएनके क्लासेस वो सारे टिप्स ट्रिक्स आपको बताएगा जिससे आप इस टाइप की प्रॉब्लम को एग्जाम में चुटके में सॉल्व कर लोगे। तो बिना टाइम खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, x² - 2x + a² - b². अब अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो फैक्टराइजेशन मेथड से, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। बच्चा तो पहले यही सोचता रह जाएगा कि क्या मल्टीप्लाई करें कि a² - b² आ जाए, क्या ऐड करें कि -2a आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल टर्म तो है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक खास तरह की टेक्निक होती है, वो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पर a² - b² हमें पता है कि a² - b² जो होता है वो a + b * a - b के बराबर होता है। तो अब हमें क्या करना है, अगर मैं a + b और a - b को अगर ऐड कर देता हूं, a + b + a - b को ऐड करता हूं तो ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास 2a, राइट। आपसे यही कह रहा है वो कि भैया जी मल्टीप्लाई करके a² - b² लेके आओ और प्लस करके 2ax बना दो। तो अगर आप a + b + a - b करते हैं तो आपके पास 2a आ जाएगा। इसका मतलब वो दो नंबर a + b और a - b ही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा नंबर। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है। देखो हमें क्या करना है, x² - लगाया आपने, यहाँ ब्रैकेट डाला और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा a + b + a - b और ब्रैकेट के आउटसाइड में आ गया x। अब देख लीजिए इसका कैलकुलेशन, 2a बनेगा, यहाँ x है तो 2ax बन जाएगा, -2ax हो जाएगा, प्लस a² - b² का हमने यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर रखे थे, फैक्टर निकाल रखे थे, तो फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पर a + b और a - b। अब ये सवाल बन गया बिल्कुल लड्डू जैसा सवाल। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए आप इसको तो देखिए ब्रैकेट के अंदर डाल दो, इसको भी ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो ये बन गया x² - अब x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा -a + b * x -n + -a - b * x + a + b * a - b। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप बना लो यहाँ पर, ये बन गया आपका सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में से आप कॉमन देखो और सेकंड ग्रुप में से कॉमन देखो, तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन देखते हैं तो सिर्फ हमें दिखता है यहाँ पर x कॉमन। तो मैंने यहाँ पर x अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पर एक x बच गया, देन माइनस आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ बच गया आपके पास a + b, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आ जाओ सेकेंड ग्रुप में से, सेकेंड ग्रुप में आप देख रहे हो कि a - b यहाँ पर कॉमन आ रहा है। एक बात आपको बताते चले, कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में जब भी हम कॉमन निकाल रहे होते हैं तो 1, 2, 3, 4 टर्म्स बनती हैं, तो थर्ड प्लेस पर जो भी साइन होता है ना, साइन वही कॉमन निकाला जाता है। अगर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस कॉमन निकालिए, प्लस है तो प्लस कॉमन निकालिए। तो यहाँ पर माइनस है तो मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर इन दोनों में से a - b कॉमन आ रहा है। ध्यान रखिए कि आपने माइनस कॉमन निकाला हुआ है, तो जब भी हम माइनस कॉमन निकालेंगे अंदर का साइन बदलेगा, तो ये वाला जो टर्म है क्योंकि माइनस कॉमन निकाल चुके हो तो यहाँ पर प्लस बचेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्लस, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है तो ये अंदर का साइन बदलेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस, राइट। और अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास बच जाएगा यहाँ पर a + b, तो हमने यहाँ लिख दिया a + b। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये दोनों ब्रैकेट अब कॉमन बन गए, राइट। अब अगर ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन बन जाते हैं तो
इनको निकालते हैं पकड़ के बाहर, x माइनस ए प्लस डी, ठीक है भैया जी, ये आ गया कॉमन। अब इसके बाद बचा आपके पास x और ये बच गया माइनस और ये माइनस डी, इसको डाल दो दूसरे ब्रैकेट में, तो बन जाएगा x माइनस ए माइनस बी, राइट। अब ये तो हो गया सिंपल इस तरह के एक्सप्रेशन का फैक्टर। अब अगर यही सवाल आपको इक्वेशन के फॉर्म में देता है तो यहां लगाओ जीरो, यहां लगाओ जीरो, यहां इक्वेशन में जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, राइट। अब बन गया आपके पास ये दो फैक्टर। अब यहां से निकालने में एक्स की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं यहां पर लिखेंगे इफ एक्स माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, माइनस ए प्लस बी को आप शिफ्ट कर दीजिए यहां पर, एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा ए प्लस बी, और अगर हम x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो माइनस ए माइनस बी को राइट हैंड साइड में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे x इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखा आपने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अगर मैंने जो बताया है अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करो तो ऐसे क्वेश्चनों की तो बैंड बजा दोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो जी आ गया एक और धमाकेदार सवाल। अब इसको भी करते हैं बिल्कुल शॉर्टकट टेक्निक से, आपको पता लग जाएगा अगर आप इसको ध्यान से अगर आप समझोगे तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए बच्चों के खेल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, यानी कि इसको फिर से मैं फैक्टराइजेशन में ले लेता हूं, मतलब 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब आप देखोगे यहां पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉलो करता है, तो मैं यहां पर इसको a प्लस बी ए माइनस बी लिख लेता हूं, 2a प्लस बी एंड ये बन गया आपका 2a माइनस बी। अब आप इनको जोड़ के देखो और यहां पर भी देखो कि रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पर अगर मैं इनको ऐड करता हूं 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी, तो आप देखोगे b से b कट जाएगा, 2a प्लस 2a बन जाएगा 4a, राइट 4a, और यहां पर भी रिक्वायरमेंट 4a की है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हमारे पास वो दो फैक्टर बनेंगे 2a प्लस बी एंड 2a माइनस बी, जिनका प्रोडक्ट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा और जिनका सम कितना आएगा 4a आ जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हमारे पास ये दो फैक्टर बन जाते हैं। अब इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस देन ब्रैकेट देन पहला फैक्टर 2a प्लस बी, क्योंकि ऐड करके लाना था तो यहां लगाइए प्लस साइन, राइट। दूसरा फैक्टर 2a माइनस बी, राइट। देन आ गया यहां पर x, फिर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हमने टुकड़े टुकड़े किए हुए थे, इनका फैक्टर हमने बनाया हुआ था, इसका फैक्टर क्या था, इसका फैक्टर था 2a प्लस बी 2a माइनस बी, तो इसको लिख देते हैं 2a प्लस बी 2a माइनस बी इज इक्वल टू, यहां पर ये जीरो था, राइट। अब इसके बाद हम क्या है इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा इसको, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको 2a प्लस बी 2a प्लस बी इंटू एक्स, और ये माइनस भी बाहर है ध्यान दीजिएगा, राइट। तो प्लस 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये यहां से साइन ये ब्रैकेट हट जाता, राइट, और ये अंदर का साइन चेंज हो जाता, ये बन जाता माइनस का 2a माइनस बी इंटू एक्स। अब आप फर्स्ट ग्रुप को लीजिए, फिर आप लीजिए सेकंड ग्रुप को। पहले फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप में से मैक्सिमम जो कॉमन दिखाई दे रहा है हमें वो कितना आ रहा है, वहां पे x आ रहा है, राइट। अब यहां x निकालो कॉमन, तो x आ गया कॉमन, तो एक x तो बचेगा ना, तो एक x आ गया देन माइनस आ गया, फिर यहां आ गया 2a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। मैंने क्या समझाया था अभी कि थर्ड प्लेस पे जो भी साइन होगा वही साइन हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर थर्ड प्लेस पर साइन क्या है माइनस कॉमन है, तो माइनस रखते हैं यहाँ पर, ये आ गया लो जी माइनस, और डिविडेंड देखते हैं क्या है, यानी कि फैक्टर हमारे पास 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी, ये एक्सप्रेशन कॉमन है,
इसको हम लिखते हैं यहां पर 2a-b, ठीक है, ये आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां से तो ये पूरा टर्म कॉमन निकाल चुके हो, तो सिर्फ x बचेगा, माइनस कॉमन निकाल चुके हो, साइन बदलेगा, माइनस आ जाएगा, 2a-b कॉमन निकाल चुके हो, तो ये वाला फैक्टर बचेगा 2a+b, राइट, इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, मतलब ये कॉमन निकल सकते हैं, तो इसको निकाल लेते हैं हम यहां पर कॉमन, तो ये बनेगा x-2a+b, एक ब्रैकेट के अंदर डालिए, ये हो गया कॉमन का, बाकी बच गया x-2a-b, इसको डालिए दूसरे ब्रैकेट के अंदर, x-2a-b इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ये कहते हैं कि x-2a+b 0 के इक्वल है, तो इसको पूरे को वहां शिफ्ट कर दो, अगर ये कूदेगा वहां पर या जंप करेगा तो प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2a+b, x की वैल्यू एक तो हमारे को मिल जाती है यहाँ पे 2a+b, और यहां देखिए यहां से -2a-b, अब इस पूरे ब्रैकेट को वहां कॉमन, यहां से जंप करा दो यानी कुदा दो उसको वहां पर, ये बन जाएगा x-2a-b, अगर हम 0 के बराबर रखते हैं, तो अगर इसको वहां पे कुदाते हैं या जंप कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, या शिफ्ट कराते हैं, तो ये हो जाता है 2a-b, तो एक वैल्यू x की ये हो जाती है, एक हो जाती है ना, सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पर, तो एक क्वेश्चन है थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये हमें ये बताता है, देखिए मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए आपको, 4a²-b², मतलब 4 times of a²-b² मिलना चाहिए, और उनका एडिशन करके हमें 4a चाहिए। तो मैंने अभी आपको एक टेक्निक दी, उसी टेक्निक को फिर से अप्लाई करते हैं, हम इसके फैक्टर निकालते हैं, जब मैं इसका फैक्टर निकालूंगा a²-b² का, तो वो मिल जाएगा मुझे a+b and a-b। अब अगर इसी a+b और a-b को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी है, मैं इसको अगर ऐड कर लेता हूँ, a+b + a-b को अगर ऐड करता हूँ, तो आप देखोगे कि मुझे मिल जाएगा 2a। हालांकि मेरे को जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 4a की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ 2a आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2a को 4a में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि भाई आपने इस फैक्टर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कहने का ये हुआ कि ये बन गया 2a, ये बन गया 2b, और ये बन गया 2a, ये बन गया -2b, तो यहां से ये कट जाएगा और बचेगा यहां पर 4a, और 4a की ही हमें यहां पर रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हमें जब ये पता लग गया कि वो दो फैक्टर 2a+2b और 2a-2b होंगे, तो इजिली अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तो पता लग गया कि फैक्टर यहां पर है क्या, राइट। तो इसको लिखेंगे हम इस ढंग से, 4x²-2a+2b एक ब्रैकेट के अंदर, देन प्लस 2a-2b एक ब्रैकेट के अंदर, देन ब्रैकेट के बाहर x आ जाएगा, प्लस a²-b² का फैक्टर हम बता ही चुके हैं आपको कि a+b a-b हो जाएगा, ये हमने a+b a-b लिख दिया यहां पर, इज इक्वल टू यहां पर हो गया 0, राइट। अब देखिए x को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं और माइनस को भी, तो जब x मल्टीप्लाई होगा तो यहां x आ जाएगा, ये माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो ये बन जाएगा पहले 2a+2b × x, और यहां प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में, 2a-2b × x, देन प्लस a+b and a-b इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है कि अब हम देखते हैं यहां से कॉमन क्या, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप को ध्यान से देखें, तो देखिए फर्स्ट ग्रुप में यहां पर 2a+2b है, तो इसका मतलब यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, एक तो 2 और यहां पर है x, तो यानी कि मैक्सिमम 2x देख पा रहा हूं कॉमन, क्योंकि 2x यहां इसमें भी मिलेगा और 2x आपको यहां पर भी मिलने वाला है, क्योंकि जब यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो एक 2 यहां हो जाएगा, ये x मिल जाएगा, तो 2x बन जाएगा, और यहां पे 2x, तो हमने 2x को कॉमन निकाला, हमको मिल गया यहां पर एक 2x, क्योंकि एक 2 बचेगा और एक x बचेगा, वापस मल्टीप्लाई करके देखिए ना, 4x² बन जाएगा, माइनस
हमने यहां से कॉमन निकाल लिया 2x, तो क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर बच गया a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देन अब यहां पर आएंगे थर्ड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर जो भी साइन होगा कॉमन वही आएगा, बता चुका हूं ऑलरेडी मैं, तो माइनस आ गया कॉमन। यहां से हम देख रहे हैं कि अगर 2 कॉमन निकाल लें तो a माइनस बी मिलेगा, पर a माइनस बी में यहां पर भी मिलेगा। तो अगर आप एक स्टेप और इसको एक्सटेंड कर लो तो कुछ इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप है कि कॉमन निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दीबाजी हमें है नहीं, ठीक है। हमें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी है, अच्छी समझ लेनी है, ताकि पेपर में क्वेश्चन आ जाए और हम इसको उड़ा दें, राइट। तो अगर ए माइनस बी ये आ गया हमारा कॉमन, और थर्ड प्लेस पर आ गया माइनस साइन कॉमन। तो मैंने बताया था कि थर्ड प्लेस पर माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद अंदर का जो भी साइन होगा वो आप चेंज कर देना। तो अगर माइनस कॉमन निकाल चुका हूं, तो एक बात तो ये कि यहां बचेगा आपका एक टू और एक एक्स बचेगा, माइनस कॉमन निकाल चुका हूं तो यहां बचेगा कितना माइनस, तो माइनस कर दिया। यहां से ये आ चुका है कॉमन, तो बच गया कितना ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखोगे कि ये वाला पूरा ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक जैसे हो गए, यानी इसको हम निकाल सकते हैं कॉमन। तो ये आ गया 2x माइनस ए प्लस बी, राइट, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब हम कहते हैं कि अगर हमें वैल्यू चाहिए यहां से x की, तो हम पहले फैक्टर को जीरो के इक्वल रखते हैं, तो 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। देन 2x इज इक्वल टू, इस पूरे को आप उधर शिफ्ट करा दो, तो जैसे इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाती है। और हम कहते हैं कि अगर यहां से माइनस ए माइनस बी, 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, और अगर हम ये कहते हैं कि माइनस ए माइनस बी अगर उधर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाता है आपका माइनस की माइनस हो गया प्लस, पर जो ब्रैकेट है वो ऐसे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका ए माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो इस तरीके से हमने यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आई बिलीव कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और अंडरस्टैंडिंग बनने लग गई होगी कि कैसे हम इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन से अगर आप मैच करके देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। वहां पर यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहां पर ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 है, राइट। और यहां पर 4ax था, यहां ए स्क्वायर हो गया, और यहां पर भी 4 था। तो देखा जाए तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर एक फर्क हो गया ए पावर 4 और माइनस बी पावर 4 का। तो कोई नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी हम ऐसे कर लेंगे। और देखिए 2004 और 2015 में पूछा गया सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा, राइट। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर आप एक काम कीजिए, पहले इसके फैक्टर निकालिए, ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। तो अगर आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इट विल टेक अ फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इन दोनों फैक्टर को ऐड करता हूं, क्योंकि बोला गया है कि ऐड करना है भाई, तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर को ऐड करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बन जाता है। रिक्वायरमेंट 2a स्क्वायर की नहीं 4a स्क्वायर की है। तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ पे 2a आया था, तो मैंने उसमें 2x 2a आया था, तो मैंने उसमें 2 और मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है। इसमें 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपने इन फैक्टर्स के अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन दिया है। तो यानी हमारा पहला नंबर होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और जो दूसरा होगा वो होगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो हमें समझ में आ गया कि हमारे वो दो फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो बहुत जल्दी से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक ऐसा सोल्यूशन
एक्स स्क्वायर माइनस, तो मैंने बताया था हमारे पास वो दो नंबर कौन से थे, वो दो नंबर थे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, एंड इसको ऐड करना है हमें, इसको हम ऐड कर लेते हैं यहां पर, ये बन जाएगा प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो ये तो वो दो नंबर थे राइट, जिनको ऐड करके हमें 4a स्क्वायर बनाना था, और किस तरीके से ये आया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, बैक करके आप वापस देख लीजिएगा राइट। तो यहां बन जाएगा प्लस a पावर 4 माइनस b पावर 4 का फैक्टर दिया था मैंने, तो आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 राइट। और यहां पर क्या है x है, अब आपको माइनस भी मल्टीप्लाई करना है, x को भी मल्टीप्लाई करना है, सेम वही प्रोसेस जो पीछे वाले सवाल में था, 4x स्क्वायर माइनस आपने मल्टीप्लाई किया तो बना ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस, तो यहां लिखते हैं माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू एक्स, और यहां से मिलेगा आपको प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 राइट। तो ये बन जाता आपका पहला ग्रुप, ये बन जाता आपका दूसरा ग्रुप राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ग्रुप में से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए यहां से आएगा केवल 2, तो 2 कॉमन निकलेगा यहां जाएगा और इसमें से 2 निकलेगा, तो एक तो 2 कॉमन निकलेगा ये हमने निकाल लिया, और एक एक्स यहां पर है और एक एक्स यहां पर था, दो एक्स है तो एक एक्स अगर हमने कॉमन निकाला तो यहां बचेगा एक एक्स और एक 2, क्योंकि 2 बाहर निकाल चुके हैं, 2x हो गया, यहाँ आ गया माइनस, अब 2 कॉमन इसमें से आ चुका है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा होगा, हमने लिख दिया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस। अब आ जाओ यहाँ पर, अगर आप थर्ड ग्रुप में देखो, सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में से आपको यहां से देखो इसमें से आप 2 निकालो कॉमन इस तरीके से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x हो गया यहाँ पर, और यहां बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्या लगे। देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों टर्म कॉमन है, इसको हम निकालते हैं कॉमन, माइनस साइन थर्ड प्लेस पे तक कॉमन निकालना ही होता है, बता चुका हूं मैं आपको, तो बन जाएगा यहाँ पे 2x, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालते हैं और वो भी माइनस साइन के साथ, तो ऐसे लिखा जाएगा माइनस कॉमन निकालने पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन निकालने पर बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पर x, यानी कि 2x, और यहाँ आ जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ देखो, अच्छा माइनस साइन हमने कॉमन निकाला था ध्यान देना, तो यहाँ थर्ड प्लेस पर जो साइन कॉमन निकालेंगे तो अगर माइनस कॉमन निकाला है तो साइन चेंज होगा, तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट आपका हो जाएगा पूरा कॉमन, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया आपका कॉमन, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन इज इक्वल टू 0। अगर हम कहते हैं कि अगर इसको जीरो रख लेते हैं और इसको जीरो रख लेते हैं, इफ 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा उधर जाकर के पॉजिटिव, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और x आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं।